वालों को कैसे बताया? फिर बताने में भी तो डर लगता है प्रफुल्ल भाई। अब 3 इडियट मूवी देख के हम लोग बैठे हुए हैं, वो कैसे कितनी मुसीबतों के साथ जाकर बता पाता है कि पापा मेरे को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करनी है। आपने कैसे बताया होगा कि पापा मैं चाय बेच रहा हूँ, चाय की दुकानें खोलनी है, बिजनेस मॉडल है मेरा पूरा? क्यों बताना अपने माँ बाप को? जब आप पहली बार शराब पीने गए थे अपने माँ बाप से पूछा था कि जब पहली बार कोई लड़की को छेड़ने गए तो माँ बाप से पूछा था? ये सबसे बड़ा बहाना है कि माँ बाप से पूछने का। मत पूछो, उनका अस्तित्व भूल जाओ। हिंदुस्तानी माँ बाप को मैं बता दूं, वो अपने 50 साल पुराने ख्यालात अपनी औलादों को 21वीं सदी में देते हैं, जो सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं। इसलिए इट्स लाइक कि वो उनको शराब दे रहे कि तुम शराब पियो। आपके 50 साल पुराने ख्यालात को आप टेक्नोलॉजी वाली दुनिया को, मॉडर्न दुनिया को, जो आधुनिक दुनिया हो रही है जिसको चाइना, जापान, अमेरिका, फ्रांस से लड़ना है, वहां पे आप अपने पुराने 100 साल पुराने ख्यालात डाल रहे हो। आप सबसे बड़ा पाप कर रहे हो। क्यों पूछना अपने माँ बाप को? क्योंकि उनके ख्यालात 21वीं सदी से जचते नहीं, वो अपने आप को डेवलप नहीं कर रहे, वो अपने आप में सीख नहीं रहे और अपने बच्चों को भी वही चाहते हैं जो मैंने किया तो ऐसा कर। क्यों करना यार? गिरने दो, पढ़ने दो, मरने दो, पसीना आने दो, खून पसीना आने दो। भाई आजकल शहादत क्या है मैं आपको बताता हूँ। इस देश को आजादी चाहिए विचारों से, इस देश को आजादी चाहिए उन माँ बाप से जो अपने बच्चों को बांध के रखते हैं। वो खुद अपने सपने पूरे नहीं कर पाए और उन सपनों को पूरा करने के लिए अपने बच्चों को वो सीढ़ी बनाते ताकि वो सपने पूरे हो जाए, ताकि समाज में रिश्तेदारों को बोल दे कि मेरे बच्चे नहीं ये करते। वो छोटे से आधे घंटे के शादी ब्याह में हवाबाजी मोरा क्रिएट करने के लिए, एक एप्रिसिएशन या तारीफ सुनने के लिए वो अपने बच्चों की बलि चढ़ा देते। ये कौन सी बात है? ये सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ हिंदुस्तान में अपने माँ बाप को, मासी को, बुआ जी को, ताऊ जी को मुंह पे बोलो कि सर आप गलत बोल रहे हो। हाँ। क्योंकि अभी तक किसी ने चैलेंज नहीं किया। क्यों नहीं किया? एक सामाजिक बर्डन के चक्कर में आप हिंदुस्तानी माँ बाप को, मौसी को, बुआ को बोल नहीं सकते कि आप गलत हो। और उनके प्रेशर में, उनको खुश करने के चक्कर में आपके माँ बाप उनसे ज्ञान लेते हैं और आपको अप्लाई करने के लिए बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए 21वीं सदी टेक्नोलॉजी वाली सदी, 21वीं सदी इकोनॉमी की सदी, 21वीं सदी क्रिएटर्स की सदी, 21वीं सदी कुछ करने वालों की सदी। और उस टाइम पे आप अपने 25 साल पुराने बिल्कुल जैसे गुलामी वाले जो आपके आइडियाज है और जो विचार है वो अपने बच्चों पे थोप रहे हो। सबसे बड़ा पाप कर रहे हो। क्यों? क्योंकि उनको किसी ने बोला नहीं कि आप गलत कर रहे हो, और इसलिए नहीं बोला क्योंकि वो बुरा मान जाएंगे।